नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आपने टाइटल भी देखा, प्रदेश से नौकरियां चोरी हो रही हैं। जी हाँ, प्रदेश के युवाओं की जो नौकरियां हैं, जिन पर उनका हक है, वो चोरी हो रही हैं बाहरी प्रदेश के युवाओं द्वारा। ये नौकरियां चोरी की जा रही हैं और हमारे सो कॉल्ड जो चौकीदार हैं वो मुंह छुपाए बैठे हैं। अभी हाल ही में जूनियर इंजीनियर्स की लगभग 80 पोस्ट निकाली गई। आप हैरान होंगे कि उन 80 पोस्ट के लिए जिन युवाओं का फाइनल इंटरव्यू के लिए चयन किया गया है, उसमें 66%, जी हां 66% युवा बाहरी राज्यों के हैं और हिमाचल के सिर्फ 33%। हिमाचल में नौकरियां निकली हैं, उनमें अगर इसी रेशो से हम बात करें तो हिमाचल के युवाओं को सिर्फ 33% नौकरियां मिलेंगी और 66% नौकरियां बाहरी राज्यों के युवा ले उड़ेंगे। ये हाल हमारे प्रदेश का है। मैं उन चौकीदारों से पूछना चाहता हूं जिनकी ये सरकार है कि वो इस चोरी को क्यों नहीं रोक पा रहे। आपको यहां बता दूं कि जूनियर इंजीनियर जो है वो क्लास 3 पोस्ट है। क्लास 1 पोस्ट जो भी होती है वो ओपन कैटेगरी में जाती है, उसके लिए पूरे देश से कोई भी कहीं भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन क्लास 3 और क्लास 4 नौकरियां हैं, इन पर तो उन्हीं राज्यों के युवाओं का हक है जिन राज्यों के लिए ये नौकरियां निकाली गई हैं। लेकिन जूनियर इंजीनियर्स की जो अभी हाल ही में नौकरियां निकली हैं, उसमें इस तरह का अगर ये हाल है तो सोचिए आने वाले समय में हमारे बच्चे चौकीदार की नौकरी करेंगे। ये बात सच है। आज यो युवा गले में तख्ती लगाकर पोस्ट डाल रहे हैं, मैं भी चौकीदार, ऐसा होने वाला है आने वाले समय में। अगर हमने कोई कदम नहीं उठाया तो बाहरी प्रदेशों के युवा ही हमारी सारी नौकरियां ले उड़ेंगे, हमारी अच्छी अच्छी पोस्ट पर बैठेंगे और हमारे युवा चौकीदार बनकर पानी पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे और गेट के बाहर खड़े रहेंगे। ये आने वाले समय में होने वाला है। ऐसा सिर्फ हिमाचल में है, क्योंकि आपने देखा पंजाब में अगर आपने नौकरी अप्लाई करनी है, कोई भी नौकरी अप्लाई करनी है, तो उनकी सबसे पहली कंडीशन है कि उस युवा को पंजाबी आनी चाहिए। अब नेचुरल बात है कि जो भी बाहरी प्रदेशों के युवा पंजाब में नौकरी के लिए अप्लाई करने आएंगे वो 10वीं में पंजाबी कहां पढ़े होंगे, इसलिए वो पंजाब में नौकरी नहीं कर सकते। लेकिन हिमाचल में फ्री फॉर ऑल है। अभी सिर्फ जूनियर इंजीनियर की जो पोस्टें निकली हैं उनका अगर ये हाल है तो सोचिए आने वाले समय में क्या हाल होगा। अगर 66% बाहरी प्रदेशों के युवा हमारे युवाओं की नौकरियां छीन कर चले जाएंगे तो फिर आने वाले समय में ये रेशो बढ़ती जाएगी। और आप यकीन मानिए, जो हमारे फुकरे युवा, मैं फुकरे युवा कह रहा हूं, जो फुकरे युवा आज गले में तख्तियां डालकर घूम रहे हैं, पोस्टें डाल रहे हैं, मैं भी चौकीदार, वो सच में चौकीदार बनेंगे और हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी चौकीदार की नौकरियां करेंगी, क्योंकि
चौकीदार की नौकरियां जो है वो ऑनलाइन नहीं होती। हिमाचल सरकार को चाहिए कि कोई ऐसे कदम उठाए जिससे हमारे प्रदेश के युवाओं को ये नौकरियां मिले, ना कि बाहरी प्रदेश के युवाओं को नौकरियां मिले। जिस तरह से बाहरी प्रदेशों ने कोई ना कोई तरीका लगाकर हमारे अपने अपने युवाओं के लिए नौकरियां रोक रखी हैं, बाहरी लोगों के लिए रोक लगा रखी है, उसी तरह प्रदेश सरकार को भी चाहिए कि कोई इस तरह की कंडीशन लगाए जिससे बाहर के लोग हिमाचल में नौकरी ना कर सकें। चाहे उसके लिए आप हिमाचल से क्वालिफाई जो क्वालिफाई जो भी वो है निर्धारित प्रक्रिया है उसको हिमाचल से पास होना माना जाए, या फिर कोई भी 10th 12th ग्रेजुएशन एक जो है वो सर्टिफिकेट या डिग्री वो हिमाचल से पास की होनी चाहिए, तभी ये रोक लग सकती है। क्योंकि हमारे हिमाचल के लोग भी कई बाहर सेटल हैं, उनके बच्चे अगर हिमाचल में नौकरियां करना चाहें तो उन्होंने कम से कम 10th या 12th या फिर ग्रेजुएशन अगर हिमाचल से की होगी तो उनके राइट्स जो हैं वो सुरक्षित रहेंगे। लेकिन इस तरह की अगर हमने कोई भी अगर हमने कोई भी रोक नहीं लगाई तो आने वाले समय में जो आंकड़ा अब 66% है, आने वाले समय में वो 100% भी हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू में बुलाए जाने वाले 66% बाहरी प्रदेशों के जो युवा हैं वो, ऐसा भी हो सकता है कि सारी की सारी नौकरियां उड़ाकर ले जाए, तब हमारे युवा क्या करेंगे? ये एक खतरे की घंटी है। इसके लिए अगर आप लोग जिम्मेदारी से आगे नहीं बढ़े या सिर्फ आंखें मूंद कर बैठे रहे तो समझिए बिल्ली झपटा मार कर आपको खा जाएगी। ये आने वाले समय में होने वाला है। मेरी सरकार से ये राय है, निवेदन है कि कोई ना कोई ऐसी कंडीशन लगाई जाए जिससे बाहरी प्रदेश के युवाओं द्वारा हमारी नौकरियां चोरी ना की जा सकें। पंजाब ने ऐसा किया है, जम्मू कश्मीर में तो ऐसा ही हाल है, बाकी प्रदेशों में भी ऐसा है, लेकिन हिमाचल जो है वो अपने युवाओं के लिए नौकरियां रोकने में सक्षम नहीं है। ये खतरे की घंटी है। आज क्लास 3 पोस्ट ले जाएंगे, कल को क्लास 4 पोस्टों के लिए भी इस तरह की हालात हो सकते हैं। तो क्यों ना सारे युवा जो सुन रहे हैं एक बार उठिए, आप सामने आइए, इसके खिलाफ आवाज उठाइए। क्योंकि सरकार ने अगर RNP रूल इस तरह से बना रखे हैं तो कोर्ट आपकी मदद नहीं कर सकता। ये सरकार ही है जो RNP रूल में ऐसी कंडीशन लगाए कि जिससे बाहर के लोगों को हिमाचल में नौकरियां ना मिल सके और हमारी जो हिमाचल की नौकरियां हैं हमारे युवाओं के लिए, हमारे बच्चों के लिए सुरक्षित रह सकें। वरना आने वाले समय में आपको हो सकता है चौकीदार ही चौकीदार प्रदेश के युवा मिले और बाकी क्लास 1 से लेके क्लास 3 पोस्ट पर बाहरी प्रदेशों के युवा नौकरियां करते मिले। जय हिंद, जय भारत।